नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता सेठी फोर्टिस हॉस्पिटल के आई डिपार्टमेंट की हेड हूँ। आज का सवाल ये है, क्या कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करने से बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं? इज ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन्स हार्मफुल फॉर चिल्ड्रंस आईज? सो लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में कंप्यूटर का यूज़ तो बढ़ ही गया है, बच्चों के लिए भी बढ़ गया है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, फिर बच्चे फ़ोन पे या प्ले स्टेशन पे गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं स्क्रीन पे, तो स्क्रीन का टाइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस पे आँखों पे क्या असर पड़ता है? सबसे पहले तो इस पे फटीग होता है, स्ट्रेन होता है, आईज टायर्ड हो जाते हैं इतना ज़्यादा स्क्रीन से। और इसके लक्षण क्या होते हैं? आईज में रेडनेस आना, टायर्डनेस, बच्चे बोलेंगे कि मैं थक गया हूँ, आँख बंद करने का मन कर रहा है, या हेडेक हो सकता है, कभी कभी वाटरिंग भी होता है ज़्यादा जब स्ट्रेन करते हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट है ज़्यादा स्क्रीन टाइम का। और दूसरा ये है कि नंबर भी जल्दी बढ़ सकता है अगर स्क्रीन का यूज़ ज़्यादा है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? बच्चा टीवी के बहुत पास चला जाएगा, या बुक या स्क्रीन को बिल्कुल अंदर घुस के यूज़ करेगा, या बच्चे ऐसे करके टेढ़े होके देखते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें क्लियरली शायद नहीं दिख रहा हो और आई चेकअप की ज़रूरत है। तो अब ये स्क्रीन टाइम को कितना स्क्रीन टाइम, कई लोग मुझे पूछते हैं कितना स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए ठीक होता है। तो इन नॉर्मल सिचुएशन वी से 1 to 2 hours ऑन अ स्कूल डे एंड मे बी 2 hours or 2-3 hours ऑन अ हॉलीडे, बट ये अब नॉर्मल नहीं है और हमें नहीं पता कि कब नॉर्मल होगा। सो येस, स्क्रीन टाइम इज देयर, बट वी नीड टू डिक्रीज इट एज मच एज पॉसिबल। जितना हम कम कर सकते हैं हमें स्क्रीन टाइम बच्चों का कम करना है। गवर्नमेंट ने भी कुछ गाइडलाइंस दिए हैं डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ द चाइल्ड कि कितने घंटे उनको स्क्रीन टाइम, क्लासेस कितने घंटे तक होने चाहिए। बट उसके अलावा भी जैसे हायर क्लासेस में है बच्चे, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन कम पड़े। वन इज़ आप अपना पोस्चर का बड़ा ध्यान रखिए, अपराइट पोस्चर होना चाहिए, आई लेवल पे स्क्रीन होना चाहिए। लेट के पढ़ना या अंधेरे कमरे में खाली स्क्रीन का लाइट होना, ये सब आईज पे स्ट्रेन बढ़ाते हैं। तो आपको अपने पोस्चर का ध्यान, लाइटिंग का ध्यान, और बीच बीच में ब्रेक्स लेना है। एक 20-20-20 रूल है बड़े बच्चों के लिए कि 20 मिनट्स के बाद आप कॉन्शियसली ब्रेक लेंगे, आईज को बंद करेंगे, या बाहर खिड़की के बाहर पेड़ को देखिए या घड़ी को देखिए। सो टेक ब्रेक्स इन बिटवीन जिसमें आप आईज के मसल्स को थोड़ा रिलैक्सेशन दीजिए, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प। देन जिनके बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम है और वो ब्रेक्स इतने ज़्यादा नहीं ले सकते हैं हायर क्लासेस में, उनके लिए कंप्यूटर ग्लासेस यूज़फुल होते हैं। कंप्यूटर ग्लास का मतलब उस पर एक एंटी ग्लेयर स्क्रीन होता है, एंटी ग्लेयर होता है स्क्रीन से प्रोटेक्ट करने के लिए, और ब्लू फिल्टर होता है उस पर। अब कई मेरे पेशेंट्स पूछ रहे हैं बच्चों को क्या कंप्यूटर ग्लास देना चाहिए। ये है कि उनका स्क्रीन टाइम आप कम करिए, गेम्स स्पेशली, गेम्स का टाइम कम करिए स्क्रीन से, बोर्ड गेम्स खेलिए। सी, ग्लासेस पहनने से एक फॉल्स सिक्योरिटी लगता है कि अब हमने ग्लासेस पहन लिए अब हमारे आईज पे कुछ नहीं होगा, तो ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। यस, आप ग्लासेस पहनेंगे तो हल्का सा प्रोटेक्शन है, बट दिस डज नॉट मीन कि बच्चा फिर खेलता ही रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कंप्यूटर ग्लासेस यूज़ कर भी रहे हैं तो भी बाकी जो सब किए बोला है, पोस्चर का, लाइटिंग का, एवरीथिंग स्टैंड्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे आई स्ट्रेन को कम करने में। तो आई लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर इरिटेशन ज़्यादा लगता है। और अगर ये सब करने के बाद भी आईज में हेडेक या ब्लरी दिखना या रेडनेस परसिस्ट करता है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिकॉज देन वी नीड टू लुक फॉर अदर थिंग्स। सो प्लीज़ यूज़ द स्क्रीन जुडिशियसली, स्क्रीन टाइम का ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए, एंड स्टे सेफ।
थैंक यू।